पाकिस्तान के खिलाफ पूरे विश्व में माहौल बना चुके हैं। मोदी जी की नीति तो आतंकवाद से मुक्ति पाने के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं देश के सुधार के लिए, वो अब तक की सरकारों ने जो किया था उससे सबसे अलग है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की नीति पे स्पष्ट मोदी जी ने कह दिया है कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के नागरिकों और सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको हम ये आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं क्या पूरी जनता इस बात से आश्वस्त है कि पाकिस्तान अगर कुछ भी गलत कदम उठाएगा तो उसको उचित जवाब दिया जाएगा और सेना को पूरी स्वतंत्र सेना जवाब दे रही है। चाहे इस पर कोई कैसे भी शब्दों की राजनीति करे वो अलग है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो देश को समर्पित है नरेंद्र मोदी जी और देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहेंगे। 3 साल के अंदर जिस तरह से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, जिस तरह से देश का सैनिक हाथ बांध के खड़ा हुआ है, 3 घटनाएं ऐसी हुई है जहां सैनिकों के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, उनके सिर काट के ले गए और सरकार की तरफ से बिल्कुल मौन साधना ले रखी है, ये देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी देखो माहौल के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि आरएसएस की पॉलिसी से पाकिस्तान से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि आरएसएस की पॉलिसी कट्टुता और बैकग्राउंड में रिलीजियस पॉलिसी है और रिलीजियस पॉलिसी उसका बैकग्राउंड है। तो कम से कम मुंह में राम बगल में छुरी वाला पॉलिसी चलने वाली है नहीं। ये मोदी की जो आरएसएस की पॉलिसी है वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी से कहीं कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अपनी विजय मान रहे हो, जाहिर सी बात है। अब नीतियों को लेकर बात है तो इतिहास का भी रुख करना चाहिए। कर्मवीर जी आपके पास आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार है, इससे पहले इंदिरा गांधी, आ रहा हूं मैं आपके पास में। नरेंद्र मोदी सरकार, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, सभी गवर्नमेंट्स को हमने देखा है। पाकिस्तान को के साथ रिश्ते कायम करने के लिए लगातार कोशिशें हुई। आपसे जानना चाहता हूं कहाँ इतिहास में ऐसा बेहतर हुआ जो आज नहीं हो रहा है, या फिर आज ऐसा बेहतर हो रहा है जो इतिहास में नहीं हो सका था। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ इससे पहले, इससे कि पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ये आरोप लगाया, 88-89 में भी लगाया, 2001-2002 में भी लगाया और उसके बाद 2008 में भी आरोप लगाया, 2011 में भी लगाया पिछली सरकारों ने, कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद प्रायोजित यहाँ पर कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा रोल है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान ISI का। लेकिन पठानकोट पर जो अटैक हुआ उसके बाद जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई भारत में जांच करने के लिए, उसके 5 मेंबर्स में से 3 लोग पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी का एक मेंबर और एक वहां का काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है पंजाब का, वहां का एक मेंबर, ISI का एक ऑफिसर, ISI और पाकिस्तान आर्मी जो भारत में आतंकवाद फैलाते रहे, आतंकवाद को प्रमोट करते रहे, जिहादियों को पालते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वे लोग यहाँ पर जाँच करने के लिए आए हैं। चोरों को घर के ताले हैं वो खोल करके दे दिए कि आप यहाँ पर जांच कीजिए। सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस की विफलता, उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया, एक्सपोज नहीं किया, गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं घेरा, ये सबसे बड़ा इमेच्योरिटी था। लेकिन उसके बाद आज आमतौर पर जिक्र होता है कि वाजपेयी जी की राह पर है मोदी, तो क्या ऐसा लगता है? वाजपेयी जी एक 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 इस तरह के समावेशी चरित्र के व्यक्ति हुआ करते थे। वो ना तो इस तरह उसमें उनके इस तरह की कोई कट्टरता रही हो, चाहे वैचारिक लेवल पे रही हो, चाहे वैसे, एक समावेशी चरित्र के व्यक्ति हुआ करते थे। आज का जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में भी ये दौर चल रहा है और भारत में भी जो पॉलिटिक्स का दौर है वहाँ पर समावेशी चरित्र के राजनेताओं का अभाव होता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि कश्मीर में ये समस्या खड़ी हो गई। कश्मीर के लोग और कारगिल में आतंकवादी आ जाते हैं, हमने तब भी देखा हुआ ऐसा, तो कहां फर्क है? जी बिल्कुल, अब जो वाजपेयी जी थे उन्होंने एक रास्ता खोला एंगेजमेंट का, उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम उस समय आर्मी के द्वारा क्रिएट किया गया। नवाज शरीफ को ही सरकार से बाहर कर दिया और क्योंकि पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का एक ही सवाल है उनके सामने कि भारत को लेकर के इतना मुद्दा बनाया जाए अपने देश में कि भारत बहुत बड़ी चुनौती है, थ्रेट है, उसे निपटने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, उसको पावरफुल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उसका इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। ये वाजपेयी जी के समय हुआ, ये आज भी हो रहा है। जरबे आजब और रसूद फसाद नाम के जो उन्होंने
ऑपरेशन शुरू करे, उसके माध्यम से नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डाला हुआ। आज भी वही नवाज शरीफ है, वाजपेयी जी के समय भी नवाज शरीफ हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया। मैं भगवान सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ, सेना को लेकर जो पुराने रुख है और मौजूदा सरकार का रुख है, उनमें कोई फर्क नजर आता है? कहीं बेहतर, कहीं कमजोर नजर आता है? बहुत फर्क नजर आता है। आर्मी को, सेना को कभी पॉलिटिक्स में, या मेरे को तो इससे एक बड़ी अचंभा लगता है कि आर्मी को अपना एक प्रूफ देना पड़ा कि हमने ये फायर असोल्ट किया है। ऐसे फायर असोल्ट होते रहे हैं, रोज होते हैं, वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनको एक क्या समस्या है समझ में नहीं आई मेरे को। उनके ऊपर कोई प्रेशर था कि उनको दिखाना पड़ा कि हमने देखो ये किया है ना, उससे आम जनता क्या सीख पाई समझ में नहीं आया, और ये कहाँ जरूरत पड़ी। तो ये जो जरूरत पड़ी है, दूसरा आप देखिए जो कश्मीर में जो गोगोई का मामला था, वो जैसा भी है, हम पूरा देश उसके साथ है, कोई बात नहीं है, वो गलत हुआ है, कोई सही बात नहीं है कि आप ह्यूमन शील्ड वार में आप इस्तेमाल करो, ये एक कोई सही बात नहीं है। लेकिन एक बार कर लिया आर्मी ने, एक यंग ऑफिसर ने अपना डिसीजन ले लिया, एक यंगस्टर है गलती कर लेता है, चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको रिवॉर्ड किया गया, उसको फिर आर्मी ने ही रिवॉर्ड किया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आर्मी भी एकदम से कैसे समझ में नहीं आया मेरे को। हमारे सामने पाकिस्तानी आर्मी भी है, मैं जानना चाहूंगा, एक पाकिस्तानी आर्मी भी है, उसको जवाब देने के लिए फिर क्या रणनीति हो ऐसे हालात में? आर्मी का हौसला कैसे बुलंद हो? नहीं, हौसला बुलंद तो अब देखिए इन चीजों से नहीं होता है कि आप उनको फोर्स करो कि वो आप एक आपको प्रूफ दें। हर बार जब करते हैं, हर बार वो रिवेंज लेते हैं, और इसमें पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान होता है। मुझे आपने अग्नि परीक्षा का जिक्र किया, मैं फूलचंद भिंडा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कहा गया कि इससे पहले भी होती रही है लेकिन इस बार ज्यादा बताया गया। म्यांमार में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, उसके लिए कहा गया कि हाँ भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि है, आतंकवादियों को बोड़ो जो आतंकवादी थे उनको म्यांमार में घुसकर मारा गया। और इसके बाद अभी परसों का उदाहरण आपने ही दिया कि हमने फिर ऐसा किया है कि सरहद पर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। आज से पहले सेना ने अग्नि परीक्षाएं नहीं दी, अब क्यों देना पड़ रहा है? क्या मोदी सरकार की यही नीति है? नीति का सवाल नहीं है उसमें। इवन मैं फिर आरोप लगाऊंगा, कांग्रेस ने भी कहा कि ये नकली है, दिखता नहीं है, आर्मी ने खुद नहीं सब सारी दुनिया को दिखा दिया। सर्जिकल पाकिस्तान बार बार नकार रहा था, पाकिस्तान बार बार नकार रहा था, अब इस प्रकार के आज यंत्र हो गए जिस कारण से हमने दिखाई दिया, ये बम डाले 22 सेकंड में कर दिया, ये 20 सेकंड में कर दिया, ये पाकिस्तान की धरती पर कर दिया, ये लॉन्चर के माध्यम से कर दिया, दिखा दिया सारा, क्या दिक्कत थी इसमें दिखाने में? कहीं सेना का मॉरल बूस्टअप करें या डाउन करें? बूस्टअप हुआ उससे, बूस्टअप हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने भी कहा कि हमने सियाचिन के ऊपर अपने एयर चीफ मार्शल को भेजा, उन्होंने उड़ान भरी, अगर आप हद लांगेंगे तो हम जवाब दे देंगे। झूठ बोलता रहा, अभी बोलेगा झूठ, वो तो झूठ के सारे चलता, अपने सत्ता बचा रहा है वो तो। पाकिस्तान का दृष्टिकोण अलग है, वो तो भारत के नाम पर ही जिंदा। ये आरोप है मोदी सरकार में सेना को सियासत के साथ घसीटा जा रहा है, सेना का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आरोप में सहमत नहीं हूँ। एक पद और एक वो पेंशन वाली बात थी, वो 40 साल से चल रही थी, सभी सरकारें आई गई, अटल जी की गई, राजीव गांधी की गई, इंदिरा जी की गई, लेकिन पहली बार मैं नहीं कहता उससे पूरी तरह संतुष्ट है सेना, लेकिन वो पहली बार हुआ, आगे उसमें सुधार करेंगे। किसी पीएम से बेहतर है, इंदिरा गांधी के राज से बेहतर है आप? आ रहा हूँ मैं भगवान सिंह जी आपके पास। बेहतर है ना, हर स्थिति में बेहतर है। विश्व पटल पर देखिए आज क्या साग है भारत की, साग बड़ी नहीं क्या भारत की? चलिए सुनील जी जवाब लो, उससे पहले भगवान सिंह जी ने एक आपत्ति की, मैं उसका जवाब लेना चाहूंगा। जहां वन रैंक वन पेंशन की बात थी, अब बार बार ये प्रचार किया जा रहा है कि ये बीजेपी सरकार ने ये वन रैंक वन पेंशन दी। मैं ये कहता हूँ बीजेपी सरकार ने कांग्रेस से ज्यादा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने दो बार ओआरओपी नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि वो ये मेरे ख्याल से वो समझते थे कि यदि ये ओआरओपी का मसला करेंगे तो बाकी सर्विस आ जाएगा, ये इतर मसला हो जाएगा, हमने ठीक है सेना के मॉरल से जोड़कर देखा था, दो बार एनहांस किया था उन्होंने, ये कहा था कि वी आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द, वादा भी किया बीजेपी ने ही, वादा किया कांग्रेस ने, वादा भी किया, इन्होंने एक बार दिया वो भी पूरा नहीं दिया, तो बात तो तीनों ने। सुनील शर्मा साहब, तीन सवाल है हमारे सामने, पहला सेना का सियासी इस्तेमाल, दूसरा पूर्व प्रधानमंत्रियों से मोदी राज की तुलना, और तीसरा सवाल
सेना का मॉरल बूस्ट अप किया जाना। नहीं देखिए अश्विनी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जो आर्मी है वो अपने आप में दुनिया की सबसे बेहतरीन एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोफेशनलिज्म वहाँ पर है और उसका अपना एक अनुशासन है, उनकी शौर्य की एक अदम्य परंपरा है और उस परंपरा का पूरी दुनिया के अंदर लोहा है। अब ऐसी जो प्रोफेशनल एक बॉडी है जो इसका वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड आर्मीज के अंदर, जिसको पूरी दुनिया ये मानती है कि ये दुनिया की बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी है, अगर उसको भी अगर अपने क्रेडेंशियल्स, उसको भी अगर अपनी वैलर अगर बार बार सर्टिफाई करवानी पड़ रही है और उसको आप पॉलिटिकल किस ढंग से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ये इतना दुखद बात है। और फिर आप क्या करें, आप ताबितों के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सैनिकों के शरीरों पे आप राजनीति कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, जिस घर के अंदर एक शहीद की लाश आती है ना, वो उस पूरे परिवार के आप ये सोचिए कि आप पहले के प्रधानमंत्रियों से कैसे बेहतर नहीं है। मोदी जी कहां चूक कर रहे हैं, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और राजीव गांधी से। आपको मैं अमेरिका की एक बात बताना चाहूंगा, मेरे सवाल का जवाब, पूर्व प्रधानमंत्रियों की पाकिस्तान को लेकर नीति और उसमें मोदी जी कहां पर। देखिए बात एक है, अगर आप पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें तो आप लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, हर तरफ उन्होंने पाकिस्तान की घुटने टेक दी। तब वो समस्या नहीं थी। फिर आप इंदिरा गांधी की, नहीं कश्मीर की प्रॉब्लम तब भी थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करना चाहूंगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर के मामले के अंदर किस ढंग से लाल बहादुर शास्त्री ने मुकाबला किया। फिर आ जाइए आप इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर, इंदिरा गांधी के अंदर जिस ढंग से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो ढंग की थ्रेट थी, हमने पाकिस्तान के पूर्वी पाकिस्तान वाला उसका एक बाजू तोड़ के एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया और 99,000 सिपाहियों का आत्मसमर्पण करवाया गया। अब आ जाइए राजीव गांधी के में, राजीव गांधी के जमाने के अंदर सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को अब ऑक्यूपाई किया गया और केवल ऑक्यूपाई नहीं किया गया, दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड होने के बावजूद भी उसको हमने हमेशा लगातार रिटेन किया। आप प्रश्न एक है, उन महान प्रधानमंत्रियों के सामने अगर आप मोदी की बात करते हैं तो मोदी एक बोने साबित होते हैं। आप पाकिस्तान की थ्रेट इतना सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अरे मेरी बात सुनिए अश्विनी, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये बॉर्डर्स के ऊपर रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये रेगुलर प्रोसेस है, 30,000 किलोमीटर करती है, रेगुलर प्रोसेस है। आप केवल गाल बजाना जानते हैं, ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं और इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के पुराने विदेश मंत्री कह रहे हैं, पुराने वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इनके राज के दुष्परिणाम के कारण कश्मीर भारत से निकलने वाला है। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि कश्मीर निकलने वाला है, इनके शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि कश्मीर निकलने वाला है, हम नहीं कह रहे, इनके नेता कह रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, दो संविधान बनाया था, आप यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री बनाया था कश्मीर, आप शत्रुघ्न सिन्हा बनाइए, कश्मीर विकट स्थितियों के अंदर है, इनके लोग कह रहे हैं, इनसे समझ नहीं रहा, इनसे समझ नहीं रहा, ये बातों के बाहर। तो फिर क्या होना चाहिए, सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, मोदी राज में कहाँ पाकिस्तान को लेकर नीतियों में कमजोरी है, लगातार चर्चा जारी है, आपके जवाब के साथ लौटना चाहेंगे ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी की जो नीति है उसका मैं समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी वो भी बहुत अच्छा एक वो रहा उनका, उससे पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाने में मिला। पहली बार भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने जो भी नीति खेली है पाकिस्तान के प्रति वो बहुत ही अच्छी है,